Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mere Pakistaniyon, aaj maine apni senior political leadership ki meeting ki hai. Humne isme bade ahem issues discuss kiye. Mulk ke issues ki hamara mulk kidhar ja raha hai. Kaun se aise issues hain jo is waqt उस सतह पे पहुंच चुके हैं कि अगर हमने इनके ऊपर एक्शन ना लिए तो आगे हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. मैं सबसे पहले जो इशू आज उठाना चाहता हूं वो ये, और मैं ये अपने सारी 70 साल जिंदगी के तजर्बे से एक चीज कहना चाहता हूं कि जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, जिस शर्मनाक तरीके से बड़े बड़े डाकुओं के केसेस माफ किए जा रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने अपने 70 साल में बनाना रिपब्लिक्स के अंदर ऐसी चीजें नहीं देखी. बनाना रिपब्लिक क्या होती है? बनाना रिपब्लिक वो होती है जिधर जंगल का कानून होता है, जिधर जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, जिधर ताकत की हुक्मरानी होती है, जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता. और आज मैं, क्योंकि मैं अपनी कौम की तरबियत भी करना चाहता हूं, मैं अपने नौजवानों की, कि इस मुल्क की 66% जो आबादी है वो 28 साल की उम्र से कम है, तो मैं उनको खास तौर पे मुखातिब हूं कि देखिए मेरे नौजवानों, कोई मुझे दुनिया में आज मुल्क बता दें जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो और वो खुशहाल हो, और कोई मुझे ऐसा मुल्क बता दे जिधर इंसाफ और कानून की हुक्मरानी हो और वो गरीब हो. ये आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा. जिन जिन दुनिया के ममालिक के अंदर ताकतवर के मुजरमों के लिए एक कानून, जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब ताकतवर चोरी करे तो उसको पकड़ो ना, उसको एनआरओ दे दो, और सिर्फ कमजोर गरीब लोगों को, चोरों को जेलों में डालो, वो मुल्क तबाह हो जाते हैं. हम तबाही के किनारे के ऊपर खड़े हैं. मैं आज सिर्फ ये, हमारी मायशत बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है. इस मायशत तबाही की तरफ जा ही इसलिए रही है कि हम, हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है. और इंसाफ यानी, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो आज हो रहा है. चुन चुन के इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क में भागे हुए थे, मफरूर थे क्योंकि उनके ऊपर करप्शन केसेस लगे हुए थे, आज वो सारे बारी बारी वापस आ रहे हैं और उनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं. एक तरफ जेल भरे हुए बेचारे गरीब लोगों से, चोरों से, छोटी छोटी चोरियों पे जो जेल में, आजकल की महंगाई में, बुरे हालात, बेरोजगारी, एक्सक्यूज मी, बेरोजगारी, महंगाई, चीजें दिन ब दिन महंगी हो रही हैं, खाने पीने की चीजें, वो बेचारे चोरी करते हैं, छोटी चोरी करते हैं तो जेलों में चले जाते हैं. और वो लोग जिन्होंने दोनों हाथों से 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, ये जो दो बड़े खानदान जिन्होंने, जिनकी चोरियों के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, एक रेमंड बेकर की किताब है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये जरदारी और शरीफ खानदान के ऊपर पूरा चैप्टर लिखा हुआ है इनकी चोरी के ऊपर, कि मुल्क का करप्शन होती है मुल्क का पैसा चोरी करने का. इनकी करप्शन पे, मुल्क का जो इन्होंने पैसा चोरी किया, वो किताब उनकी किताब में है. और अगर ये गलत उन्होंने लिखा तो जाके उनको, उनके ऊपर सू करें, जिस तरह मैं ये जियो और जियो ग्रुप को सू कर रहा हूं, दुबई के अंदर भी कर रहा हूं, अमेरिका में भी कर रहा हूं, और बर्तानिया में भी कर रहा हूं, क्योंकि वहां के कानून ऐसे हैं कि आप अगर किसी के ऊपर गलत चीज करें, गलत बयानी करें, वहां तो वो बड़े स्ट्रिक्ट कानून है, तो क्यों नहीं उनको सू करते. उधर एक और किताब है सूस्किन की, वे ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें वो
बिलावल भुट्टो की वालदा बता रही हैं कि कितने दुनिया के अंदर बाहर के मुल्कों में इनके बैंक अकाउंट्स हैं, वो उस किताब में लिखा हुआ है। सो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की चोरी के ऊपर। तो इनको सारों को पाक किया जा रहा है एनआरओ 2 दे के। एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया था, 4 गुना पाकिस्तान के कर्जे बढ़े थे एनआरओ 1 के बाद, लूटमार हुई थी, हमने उठाया था वो बैंकक्रप्ट मुल्क जो 2018 को हमें मिला था कि जब दिवालिया निकला हुआ था। और ये अब एनआरओ 2 जनरल बाजवा ने दिया इनको कि ये अब आए हैं सारे पाक होके और आहिस्ता आहिस्ता इनके सारे करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। और एक एक यानी कानून बनाए हैं इन्होंने नैब अमेंडमेंट्स में कि एक एक की करप्शन माफ हो रही है। और अफसोस की बात यह है कि सलमान शहबाज वापस आता है, हार पहनाए जाते हैं उसको, और उसके बाद वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि कितना जुल्म हो गया सलमान शहबाज से। पहले तो ये बताओ सलमान शहबाज कि आपकी रमजान शुगर मिल के अंदर नौकरों के पास 16 अरब रुपए 1600 करोड़ रुपया कैसे उनके बैंक अकाउंट्स में आ गया था। फिर अगला जवाब दो कि 4 वो मारे गए हैं, 4 आपके गवाह हार्ट अटैक से मरे हैं, और जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था डॉक्टर रिजवान वो भी हार्ट अटैक से मरा है। एक नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रोग्राम देख लें, उसमें बताया गया है कि ये कैसे एक नर्स ने कितने लोगों का कत्ल उनको मारा था जो हॉस्पिटल में थे। कैसे मारा था? वो सिर्फ इंसुलिन इंजेक्ट करते थे उनके अंदर, इंसुलिन इंजेक्ट करते थे और उससे हार्ट अटैक हो जाता था और पता भी नहीं चलता था। तो कभी किसी ने कोशिश तो करें कि एकदम ये सारे लोगों को हार्ट अटैक कैसे हो गए, और जब वो मर गए सारे तो ये वापस आ गए और वापस आके कहते हैं जी बहुत बड़ा ये बेकसूर आदमी है। इसके अलावा इसहाक डार भी साफ हो गया। इसहाक डार ने $5 मिलियन का, जब नैब ने पूछा कि जनाब आपने बच्चों को $5 मिलियन भेजे किधर से आया पैसा, कहता जी दुबई के शेख ने मुझे, मैंने उसका एक काम किया था उसने दिया। उन्होंने कहा अच्छा जनाब रसीद बता दें कि किसने पैसा दिया। जैसी उन्होंने रसीद मांगी प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के मुल्क से बाहर भाग गया। और ये शरीफ खानदान का ये जो बड़े बड़े इंकशाफ हुआ था इनकी एवन फील्ड्स अपार्टमेंट, ये जो मेफेयर के अंदर इनके चार चार सबसे लंदन के महंगे इलाके में जिधर ये रहते हैं, तो आज तक एक नई चीज बता सके कि पैसा सोर्स ऑफ इनकम किधर से आई थी। और इसी तरह मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज आसिफ जरदारी की बहन, वो सारे अगर सिंध के अंदर जाके पूछ लें कि वो जिधर भी कट आता है वो किधर जाता है, वो जरदारी माफिया के पास जाता है, तो वो भी माफ हो गया, जरदारी भी माफ, तो ये सब बच जाएंगे आप। और मैं ये अपनी कौम को ये आज बताना चाहता हूं कि मैं आपसे नहीं 26 साल से ये चीजें कह रहा था, 26 साल से मैं कहता जा रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है इसलिए करप्शन है, क्योंकि कानून की हुक्मरानी नहीं है इसलिए कब्जा ग्रुप है। क्यों नहीं अमेरिका में कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं यूरोप में कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं लंदन में किसी के, जो बेचारे आपके पाकिस्तानी मेहनत करते हैं उनकी जमीनों पे क्यों नहीं कब्जे होते, पाकिस्तान में आते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि यहां ताकत की हुक्मरानी है। और यह है जंग हमारी कौम के लिए, नौजवानों ये जंग हम लड़ रहे हैं इंसाफ की तहरीक। अब मैं दूसरे पहलू पर आता हूं, मायशत के ऊपर। मैंने इसको पिछले 2 दिन भी बात की है, मैं सिर्फ ये फिर से अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि कोई भी मायशत को समझता है सबसे पहला असूल मायशत का क्या है, कि सियासी इस्तेकाम हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। मायशत कभी भी उस माशरे में नहीं चल सकती जिधर जब लोगों को, मैं अगर इन्वेस्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, जब मुझे यही एतमाद ना हो कि मैं आज पैसा लगाता हूं तो कल क्या होगा, महीने के बाद क्या होगा, 6 महीने के बाद क्या होगा, अनसर्टेनिटी जब होगी माशरे में, कभी भी उस माशरे के अंदर
सरमायाकारी नहीं आती। आज बिजनेस बिल्कुल रुक गई है पाकिस्तान में। 88% पाकिस्तान के बिजनेसमैन कहते हैं कि हमें कोई एतमाद इस हुकूमत पर नहीं है। आज 100% तकरीबन जो बैरून मुल्क जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको जो किधर से लेते हैं कि मुल्क के मायशत के क्या हालात हैं, क्रेडिट रिस्क कि आज उनको यह खौफ है, तकरीबन 100% पाकिस्तान की क्रेडिट रिस्क बढ़ चुकी है कि अगर पाकिस्तान को कर्जा देगा तो वो वापस ना होने की उसकी चांस 100% पे पहुंच गई है। जब हम थे अप्रैल के अंदर तो 5% थी। तो ये जब से ये आए हैं तो किसी को ना बाहर ना अंदर एतमाद है पाकिस्तान की इकॉनमी पर, लिहाजा इकॉनमी सुकड़ती जा रही है, ग्रोथ रेट नीचे जा रही है। 6% पे हम छोड़ के गए थे, आज 0 पे पहुंच गई है। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि फैक्ट्रियां जो बंद होती जा रही हैं और जो बेरोजगार लोग निकल रहे हैं, एक तरफ महंगाई है दूसरी तरफ बेरोजगारी है। कैसे लोग तनख्वाहदार लोग कैसे गुजारा करेंगे आज? ऊपर से किसान अलहदा रो रहा है, बिजली के बिल आसमानों पे हैं, डीजल की कीमत जो हम 150 रुपए लीटर छोड़ के गए थे, आज आलमी मंडी में तेल नीचे आ चुका है। हमारे दौर में 115 से लेके 103 डॉलर था, 115 से 103 डॉलर बैरल थी इंटरनेशनल मार्केट में, आज वो 80 डॉलर से नीचे आ गई है। लेकिन डीजल किधर है, पेट्रोल किधर है, कैसे बिजली की कीमत आज किधर है? हम 17-18 रुपए यूनिट पे छोड़ के गए थे, आज वो 40 रुपए से ऊपर चला गया। किस तरह लोग पैसे देंगे? किसान जिसके पास पैसा आया था हमारे दौर में, उसने अपनी जमीन पे लगाया था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड पैदावार हुई थी, 4 बड़ी-बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई थी, आज किसानों से पूछे क्या हालात है उनके? किसान अलहदा पिसा हुआ है, बिजनेसमैन अलहदा पिसा हुआ है, इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है, सर्विसेज, ये जो आईटी के अंदर हमने इतने इंसेंटिव्स दिए थे, हमारी 75% आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, उनके इंसेंटिव्स इन्होंने वापस। तो सवाल ये है कि अब हम किधर से आमदनी बढ़ाएंगे अपने कर्जे वापस करने के लिए? अगर एक मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, घर पर कर्जा चढ़ा हुआ है, तो वो वापस कैसे करता है? आमदनी बढ़ा के। तो जब आमदनी सुकड़ती जा रही है तो कर्जे हमने कैसे वापस करने हैं? हम कैसे जो हमारी आगे लाइबिलिटीज आ रही हैं हम कैसे वापस करेंगे? इनके पास तो कोई प्लान नहीं है। आज जरा सिर्फ मैं बताना चाहता हूं थोड़ी सी कीमतें जो आम आदमी को आज इफेक्ट करती हैं। प्याज, लोग कई प्याज और रोटी खाते हैं, 400% उसकी कीमत बढ़ चुकी है प्याज की। टमाटर, ये भी आम लोग जो गोश्त नहीं खा सकते वो लोग रोटी के साथ टमाटर के साथ रोटी खाते, 300% बढ़ चुकी है उसकी कीमत। आटा यानी रोटी के बगैर कौन गुजारा करता है, 100% कीमत बढ़ चुकी है आटे की। दालें, 50% कीमत बढ़ चुकी है दालों की। घी, आलमी मार्केट में नीचे आ गया पाम ऑयल, आज घी की 50% कीमत बढ़ चुकी है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो आम लोग हैं सोचेंगे वो कैसे गुजारा करते होंगे आज। तो जब मायशत नीचे जा रही है, मैं फिर से रिपीट करता हूं और मैं सारे पाकिस्तान के इदारों से आज बात कर रहा हूं। मैं इसलिए पाकिस्तान के सारे इदारों से बात कर रहा हूं कि ये जो होने जा रहा है ये आप सबको इफेक्ट करेगा। कोई इदारा जजीरा नहीं है कि मुल्क नीचे जा रहा हो तो वो जजीरा बच जाएगा, सारा मुल्क ही नीचे जाएगा। ये मुझे अफसोस, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक साजिश के तहत हमारे मुल्क से हुआ है कि एक जिस तरह किसी ने प्लान करके हमारे मुल्क को इस तरफ लेके जा रहा है कि मुल्क अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए तो उसके बाद सबसे पहले मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होगी। और नेशनल सिक्योरिटी, हम सब जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी, जो पाकिस्तान 7 गुना बड़ा मुल्क है हमारे साथ, जिसके साथ 3 जंगें हो चुकी हैं, तो अगर हमें तो सिर्फ एतमाद यह है कि हमारे पास एक
ऐसा हथियार है जिसकी वजह से कोई हमें हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर मुल्क ही बैंकक्रप्ट हो गया तो जो लोगों ने हमें फिर वहां से बेल आउट करना है वो क्या कीमत मांगेंगे? हम सब जानते हैं वो क्या कीमत मांगेंगे। मैं ये वैसे वाजे आज करना चाहता हूं कि मैं ये एक तासुर दिया जा रहा है कि जनाब हम चाहते हैं कि मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट हमारी मदद करे। ये जब हमारे खिलाफ ये धरने दिए जा रहे थे और ये जब कहा जा रहा था कि जी सारी जो जो पीडीएम की जमातें हैं ये सारा वक्त कह रहे थे कि जी उनको छोड़ के तो हमारी मदद करें, मैं बिल्कुल किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं ये चाह रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। मैं इसलिए चाह रहा हूं एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो कि एस्टैब्लिशमेंट का वकार ऊपर जाए। जनरल बाजवा के दौर के अंदर असला अवाम और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में फासले बढ़ गए। ये हमारे मुल्क का, इस मुल्क को एक मजबूत फौज के इदारे की जरूरत है। मैं एक आजाद आदमी हूं, एक आजाद मुल्क में रहना चाहता हूं। मैं किसी सूरत यह नहीं चाहता कि हमारी फौज कमजोर हो और हमारी आजादी चली जाए। इसलिए यह पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हमारा फौज का अदारा मजबूत हो। मजबूत वो तब होगा जब वो न्यूट्रल हो, वो मुदाखलत ना करे। जो जनरल बाजवा के दौर के अंदर जिस तरह के बेदर्दी से उन्होंने हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह, मैं आपको कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में जिस तरह की खुली दुश्मनी हमारे साथ की गई उन 7 महीनों के अंदर मैंने कभी यह नहीं देखा। जिस तरह जो हमारी हिमायत करता था, मीडिया करता था, उसके खिलाफ एक्शन, हमारे लोगों के ऊपर धमकियां अलहदा, गुमनाम नंबर से टेलीफोन आ रहे हैं और धमकियां दिए जा रहे हैं कि इमरान खान को अलहदा छोड़ो, मेरे खिलाफ स्टेटमेंट्स लेने की कोशिश की, लोगों को कहा कि इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो। ये जो सारा तोशाखाना केस है इसके पीछे कौन था? कौन इनको पकड़ पकड़ के ये लोगों से स्टेटमेंट दिलवा रहा था? और उसके अलावा जो अरशद शरीफ से हुआ, जो आजम स्वाति से हुआ और हो रहा है, जो शबाज गिल से हुआ, जो जमील फारूकी से हुआ सिर्फ इसलिए कि वो हमारे हक में स्टेटमेंट्स दे रहा था, जो टीवी चैनल से किया गया। कभी मैंने आपको बताया कि मैंने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ की मैं सख्त खिलाफ था और उन्होंने मुझे मैंने जेल गया उनके दौर में। मैंने कभी इस तरह की सख्ती, इस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उस दौर में नहीं देखी थी जो मैंने इस जनरल बाजवा के इस दौर में देखी। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरह की उन्होंने हमारे साथ सख्तियां की, एक वो पार्टी जो कि पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की इस वक्त, मैं ये आगे पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी फेडरल पार्टी है, पीपल्स जुल्फिकार भुट्टो की पीपल्स पार्टी भी इतने सारे पाकिस्तान में नहीं थी जो आज तहरीक इंसाफ है, एक नेशनल लेवल की पार्टी है, हमें कमजोर करने की कोशिश की। और तो छोड़े जो कि जिस तरह उन्होंने आजम स्वाति से किया है, मुझे तो हैरत होती है कि कैसे किसी एक सेनेटर, एक वो शहरी जो बाहर कमाई करके पाकिस्तान अपना पैसा लेके आता है, कैसे उसे सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर, क्या ट्वीट ये उसने की कि जनरल मुशर्रफ ने NRO 2 दिया? सारा पाकिस्तान जानता है कि जनरल मुशर्रफ ने NRO 2, जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया, मुशर्रफ ने NRO 1 दिया, सबको पता है। हमें कई दफा उन्होंने कहा जब हम गवर्नमेंट में थे कि जी छोड़ दें एहतसाब को, छोड़ दें, इक्तसादियात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, इकॉनमी पे कॉन्सेंट्रेट करें, एहतसाब को भूल जाएं। हमें फैटफ के अंदर इनकी तरफ से आई रिक्वेस्ट कि जनाब फैटफ में इनको NRO 2 दे दो, ये ऑपोजिशन को, तो हमें तो पता है कि NRO 2 किसने दिया है। तो अगर आजम स्वाति ने ये एक ट्वीट कर ही दी, ये इसकी इतनी बड़ी सजा थी कि उसको पहले पोतों और पोतियों के सामने घर में 3 बजे घुस के मारा गया, फिर उसको नंगा करके
ISI ने उसको मारा अलहदा, और उसके बाद उसको जो कैसेट उसकी बीवी और बेटी को दी गई वो गंदी कैसेट, और उसके बाद अब उसके ऊपर 30 केस और कर दिए। उस उम्र में आदमी को कभी कोयटा जा रहा है और कभी सिंध जा रहा है, और मैं आज कोयटा और सिंध के हाई कोर्ट्स को सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया इसके ऊपर। लेकिन क्या ये एक महजब माशरे में, एक डेमोक्रेटिक माशरे में होता है? ये तो डिक्टेटरशिप में भी इतना बुरे हालात नहीं थे। और उसके बाद शहबाज गिल उसके ऊपर 8 केस और कर दिए। मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, मुझे पता है किसने गोलियां, किस कौन ये, किसने मेरे ऊपर कातलाना हमला किया, मुझे पता है वो कौन है। मैं अपनी FIR नहीं कटवा सका तो और कौन कटवाएगा पाकिस्तान में? और कौन आज मुझे बताए, कमजोर आदमी, अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ी पार्टी का हेड अगर वो नहीं कर सकता तो बाकी कौन कर सकता है? तो ये ह्यूमन राइट्स का हाल है आज। हम बात करते हैं कि जी मकबूजा कश्मीर में बहुत बड़े बुरे हालात है, तो यहां क्या है, यहां कौन से ह्यूमन राइट्स रह गए हमारे? और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मैं पूरी रिस्पेक्ट से मैं अपनी आला अदलिया से पूछना चाहता हूं कि देखें, अगर आप हमारे फंडामेंटल राइट्स की अगर आप उनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? क्या कोई बाहर से आके हमें करेगा? हम बार बार ये कह बैठे हैं, अरशद शरीफ की वालदा की फरियादें सुने, हमें पता है उस बेचारे से क्या हुआ है। अगर वो नहीं अपनी FIR कटवा सकती, एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं कटवा सकता, और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जनरल मुशर्रफ को जब हम तनकीद करते थे, और हम खुल के जनरल मुशर्रफ की तनकीद करते थे, तो क्या हम फौज की तनकीद कर रहे थे? सबको पता था कि जनरल मुशर्रफ की हम तनकीद कर रहे हैं, हम फौज की नहीं। सी, कौम फौज को प्यार करती है क्योंकि कौम को पता है कि हमें वो आजाद रखने वाली हमारी फौज है। तो आज अगर मैं जनरल बाजवा की जो भी तनकीद करता है, जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। 7 महीने के अंदर वो इकॉनमी जो अपनी 17 साल के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, उसको आज उसने जमीन पे डाल दिया है। आज पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि अब पाकिस्तान जाएगा किधर। लोगों, हमें तो यही नहीं समझ आ रही कि अब इस पे से निकालेगा कैसे कोई। हमें तो यही नहीं समझ आ रही कि ये जो चोर ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, स्वाय अपनी चोरी बचाने के लिए, पता तो बताएं कि इन्होंने इस इकॉनमी को ठीक कैसे करना है। और अब ये 30 साल दोनों इक्तदार में रह चुके हैं, कब इन्होंने इकॉनमी को ठीक किया था? ये तो जब से आए हैं पैसा बनाने के चक्कर में है, और उनके पैसे माफ हो रहे हैं और मुल्क भी नीचे चला गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? तो ये हमारा राइट है, ये मेरा जमहूरी राइट है ये कहने का। और मैं आपको फिर से ये कह दूं कि मैं ये बातें इस वजह से, ये कातिलाना हमला मेरे ऊपर हुआ था मेरा मुंह बंद करने के लिए, ये मुंह नहीं बंद होने लगा, ये जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस मुल्क के लिए खड़ा होऊंगा, इसके इस मुल्क की आवाज बुलंद करूंगा, मैं किसी सूरत अपनी आवाज बंद नहीं करने लगा। और मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई इदारे के अंदर काली भेड़े हैं तो इदारा अपना वकार ऊंचा करता है जब उनके अगेंस्ट एक्शन लेता है। ये नहीं कि जो सारे जो बात करता है उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दे, जो कि आजम स्वाति से खास तौर पे हुआ है। और मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करना चाहता हूं। मैं फिर से कहता हूं कि मैंने पाकिस्तान में जब से भी मैं 26 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी इस तरह का इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा, जो एक तो ये जो सिकंदर सुल्तान है और दूसरा जो कि सिंध का इलेक्शन कमीशन है। पहले मैं ये वाजह कर दूं कि जो सिंध का इलेक्शन कमिश्नर है, ये सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के ऊपर केस लेके गए हुए हैं इसका, और मुझे अफसोस होता है कि इतनी देर से हमारा केस पड़ा हुआ है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, कोई सुन ही नहीं रहा कि कैसे हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम गैर जानबदार हो जो उनसे तनख्वाह ले रहा है। और जो इसने किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने,
سوائے اس کے کہ اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیسے کرنا ہے. توشہ خانہ کا کیس اس نے پکڑا ہوا ہے. جس وقت بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا اس کے ہاتھ سے نکلے گا. میں آج رائٹنگ میں اس قوم کو دیتا ہوں, ہر چیز اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں جائز میں نے کیا. اور دوسرا فورن فنڈنگ کیس, جس وقت بھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی یہ واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے صحیح معنی میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے. سپریم کورٹ نے بھی 2018 میں کہا ہوا ہے اس کو, الیکشن کمیشن کو, پھر سے ہائی کورٹ میں بھی کہا ہوا ہے کہ جو فورن جو فنڈنگ کیس ہیں تینوں پارٹیز پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کی اکٹھی سنی جائیں. چار سال ہو گئے ہیں, تحریک انصاف کو کٹہرے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان دو پارٹیز کے کیسز نہیں سنتا. کیسز اس لیے نہیں سنتا کہ جب یہ کیس آپ قوم کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان پارٹیز کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے فنڈ ریزنگ کا. یہ فنڈز کیسے اکٹھے کرتے ہیں, یہ بڑے بڑے نامور, اور میں وہ بزنس مین بھی جانتا ہوں جو بڑے بڑے جن کو یہ پہلے مل کے ان کے ساتھ ان کے بزنس پارٹنر ہی ہوتے ہیں, ان کو پیسہ بنا کے دیتے ہیں, پھر الیکشن آتا تو ان سے بڑے بڑے اربوں روپیہ لے لیتے ہیں. یہ ہے ان کی فنڈ ریزنگ. وہ پارٹی جس نے 40,000 لوگوں کا ووٹ ڈیٹا بینک ہے, ڈونر بینک ہے 40,000 لوگوں کا, وہ پارٹی کو اس نے کھڑا کیا ہوا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی ایف آئی اے سے چیک کر رہا ہے, کبھی کوئی ہمارے ڈونرز کو تنگ کر رہا ہے, اس کے پیچھے پڑا ہوا یہ. ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ بتائیں آپ کی کیوں نہیں. اور میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ ان کا کیس لگنے لگا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ دونوں پارٹیز پیسہ کیسے اکٹھا کرتی ہیں. اور پھر توشہ خانہ, میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی توشہ خانہ لگے گا, کوئی چیز عمران خان نے الیگل نہیں کی, کوئی کسی قسم کا, نہ آج تک پہلے قانون توڑا ہے, نہ آج توڑے گا, نہ کبھی آگے بھی توڑے گا. لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے, جنہوں نے توشہ خانہ میں ڈاکہ مارا ہے, اس میں ہے نواز شریف اور آصف زرداری. کیوں ڈاکہ مارا ہے؟ کیونکہ گاڑی توشہ خانہ سے نکالا غیر قانونی ہے. تین مہنگی مہنگی گاڑیاں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں اور ایک نواز شریف نے نکالی. کیوں نہیں الیکشن کمیشن پوچھتا ان سے؟ نواز شریف تو چلے مفرور ہے, ابھی آئے گا, ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے, تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی ہے, کیوں نہیں اس کے اوپر آگے کیس چلتا, کیوں نہیں زرداری تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے, کیوں نہیں اس کا نیب کا کیس کھولتا کہ تین گاڑیاں, مہنگی مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشہ خانہ سے. تو سب سے آسان کام ہے, میں جناب کسی کو اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے, وہ مجھے پریزنٹ کرے, میں توشہ خانہ میں ڈال دوں, آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید لوں. تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی. تو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا آج تک؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے ہمارا اس الیکشن کمیشنر کے پاس, ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے؟ 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے اور عدالت میں انہوں نے اس کے فیصلے رد کیے. اور اگلا میرا سوال ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ عدالت میں گئے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کے, ہمارے کیس ہی نہیں سنے جاتے اور وہ ہر روز ہمارے خلاف نیا کوئی فیصلہ کرتا رہتا ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے, میں آج آپ ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کروائے گئے, یا انتشار ہوگا, آگے ملک کے اندر حالات برے ہیں, آگے یہاں سیاسی استقام نہیں ہے, آگے اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح, میچ تو ان سے کھیلا نہیں جاتا, کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کریں, کیسز کریں, ایف آئی آر کریں. میرے اوپر 30 ایف آئی آر ہو چکی ہیں اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے, میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح. یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو,
मैं यहीं बैठा हुआ हूं और यहीं लड़ रहा हूं केस। मैच तो ये खेल नहीं सकते। इन्होंने अब यही इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करना है और इन्होंने FIA को इस्तेमाल करना है, इन्होंने NAB को इस्तेमाल करना है किसी ना किसी तरह टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए। लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, मैं बड़े इज्जत से अपने इदारों को, जिसमें हमारी अदलिया भी है, मोतबर है, और जिसमें पाकिस्तान की फौज भी है, जिनके पास जो इस मुल्क में एक प्लेयर है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। इसके अलावा कोई हल नहीं है। जिस दल दल में हम गिरते जा रहे हैं, इसमें से निकलने का कोई और हल नहीं है। किसी माशी एक्सपर्ट्स को पूछ लें, कोई माहरीन जो कि पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, बाहर से कोई मंगवा लें, अगर आपको अंदर यहां नहीं मिलते, सारे आपको एक चीज कहेंगे कि पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के, उसके बाद मुल्क आगे चांस है ऊपर फिर से खड़े होने के, नहीं तो ये नीचे ही जा रहा है। मैंने आखिर में मैंने अपनी सारी मुशावरत कंप्लीट कर ली है। मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम दो असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। उसके अलावा हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, जो हमारे इन्होंने अभी तक इस्तीफे कबूल नहीं किए, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, ताकि हम नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करें, और फिर तकरीबन 70% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा। कानून आइन ये कहता है कि जैसी असेंबली रिजॉल्व होती है तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होगा। तो ये समझ लें कि इंशाल्लाह 17 तारीख को मैं डेट दूंगा, और उसके बाद हमारे 70% पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाएगा, इलेक्शन मोड में। अकल तो ये कहती है कि अगर 70% मुल्क में इलेक्शन हो रहा है तो आप नेशनल असेंबली सारे मुल्क का ही इलेक्शन करवा दें, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहां मुजरिम जुराइम पेशा लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई कौम की फिक्र नहीं है, उनकी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी हुई है, रुपया गिरता है तो इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है क्योंकि उनके पैसे डॉलर में पड़े हुए हैं, इनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है। जब भी मुश्किल वक्त आएगा ये फिर अपना बोस्तरा उठा के बाहर चले जाएंगे, जिधर ये बड़े आराम से वाजिदगी गुजार रहे हैं। इनका सिर्फ मकसद ये है कि इनके करप्शन केसेस माफ हो, ताकि इनकी स्लेट जैसे जनरल मुशर्रफ ने साफ की थी, अब ये जनाब जनरल बाजवा की बदौलत इनकी स्लेट साफ होगी, और उसके बाद फिर से ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि राउंड 3 इनका मुल्क को लूटने के लिए। तो इसलिए इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन करवाने का, इनको डर लगा हुआ है कि इलेक्शन के द्वारा ये हार जाएंगे और फिर से इनके करप्शन केसेस सामने आ जाएंगे। इसलिए इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान इंटरेस्ट मुख्तलिफ है, अपोजिंग एंड्स के ऊपर है। कौम का इंटरेस्ट इस वक्त यह है कि मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाए, और इंशाल्लाह 17 तारीख को लिबर्टी चौक जिधर हमारी गैदरिंग होगी, मैं इंशाल्लाह आपको वो डेट दूंगा जिस दिन हम अपनी दो असेंबलियों से निकल जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।